Hi guys, I Dr. Vikram welcome you all again to the new session of part 5 of railway series. So जैसा कि हमने पिछले जो चार parts हैं उसमें भी हम लोगों ने क्या किया है, most important railway के questions किए हैं और हम आज फिर से आपके सामने आए हैं पांचवा part लेकर और इस part 5th में भी हम क्या करेंगे, most expected जो top 30 questions हैं जो railway NTPC group D या junior engineer के exam में आने वाले क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपने पिछले चार पार्ट्स देख लिए होंगे और ये फिफ्थ पार्ट देखने से पहले आप उन चार पार्ट्स को जरूर देखिए जिसने नहीं देखे हैं. तो चलिए आज का जो हम सेशन है वो शुरू करते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वॉज फर्स्ट पुट फॉरवर्ड बाय दी. देखिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो चार एक्ट्स दे रखे हैं, देखिए अगर मॉडर्न हिस्ट्री की हम लोग बात करें, आप जो है मेक माय एग्जाम पर जाके डॉक्टर दीपक यादव के मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स हैं आप वो भी देख सकते हैं और वहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट देखिए एक्ट्स जो हैं मॉडर्न हिस्ट्री के वो सबसे ज़रूरी हैं, इससे क्वेश्चन पक्का रहता है. और देखिए ये जो यहाँ पर हम लोग आज पार्ट 5 करने वाले, इसमें पहला क्वेश्चन ही मैंने एक्ट से रखा है जो कि पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है. तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था इसमें जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक्ट्स पास किए थे फेडरल स्ट्रक्चर की बात इन चारों एक्ट्स में से किस एक्ट में की गई थी. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए है एक्ट ऑफ 1909, ऑप्शन बी है एक्ट ऑफ 1919, ऑप्शन सी है एक्ट ऑफ 1935, ऑप्शन डी है एक्ट ऑफ 1947. सो देखिए जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी वो बात की गई थी, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एक्ट ऑफ 1935. सोचो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया था उसमें फेडरल स्ट्रक्चर की बात की गई थी. सो देखिए लास्ट वीडियो की मैं अगर बात करूं, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत ही बढ़िया रिस्पांस मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उन क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे और मैंने वो जो है आपके आंसर्स चेक भी किए थे, बहुत बढ़िया सभी ने रिस्पॉन्स दिया था. यहाँ पर भी देखिए फिर से ये अगर आप क्वेश्चंस जो मैं पूछ रहा हूँ और अगर आप उसको फॉलो करते हैं कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताते हैं तो ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है, वहाँ से कहीं ना कहीं से उठ के क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं. सो देखिए यहाँ पर भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा स्क्रीन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कहा गया है कि जो भारत का संविधान बनाया गया था ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, तो इन चारों में से देखिए ये तो हमें पता है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इट हैज बीन ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, यानी कि हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग 60 कंट्रीज से लिया गया है, बट बोला गया है कि सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा है वो इन चारों में से किसका रहा है अपने भारतीय संविधान में. सो ऑप्शन ए है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, बी है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, सी है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, डी है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो देखिए भारत का जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजॉरिटी पार्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है. सो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें जो है हमें जानने के लिए मिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, कि एक तो भारत का ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, और दूसरा हमें जानने के लिए क्या मिला कि फेडरलिज्म का जो फीचर था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है उसमें उसकी चर्चा की गई थी. चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पे. हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज. कहा गया है कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है. ऑप्शन ए है अ फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, बी है यूनियन ऑफ स्टेट्स, सी है भारतवर्ष, डी है अ फेडरेटेड नेशन. तो देखिए अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडिया को मैं कंप्लीटली फेडरल कंट्री नहीं कह सकता हूं. क्यों नहीं कह सकता हूं, देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को किस नाम से जाना जाता है. देखिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं हिंदुस्तान वर्ड यूज नहीं किया गया, वर्ड यूज किए गए हैं इंडिया के लिए इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया और भारत दो नाम यूज किए गए. तो इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स ये कहा गया. सो भारत क्या है, भारत जो है एक संघ है किसका, राज्य का. सो इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसका मतलब क्या है, यानी कि मैं इसको देखिए जो ऑप्शन ए है फेडरेशन ऑफ स्टेट एंड यूटीज या डी अ फेडरेटेड नेशन क्यों नहीं कहूंगा,
यहां पर आंसर यानी क्या होगा, ऑप्शन बी होगा यूनियन ऑफ स्टेट्स, जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। बट मैं इसे फेडरेशन क्यों नहीं कहूंगा, देखिए क्योंकि जो राज्य है इंडिया में, ना तो वो अपनी मर्जी से आए थे इंडिया में और ना ही अब वो अपनी मर्जी से भारत से जा सकते हैं, सो इसे हम फेडरेशन नहीं कहते, इसलिए इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा स्क्रीन पे, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स अलग अलग कंट्री से लिए गए ना, तो यहां पे पूछा गया है कि जो जुडिशियल रिव्यू का फीचर था वो किस कंट्री से ओरिजिनेटेड है या भारत ने किस कंट्री से लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है सुप्रीम कोर्ट्स की या हाई कोर्ट्स की, ये फीचर इंडिया ने लिया है। ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, सी इज रशिया, डी इज यूएसए। सो देखिए द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी यूएसए। सो जुडिशियल रिव्यू का जो फीचर है इंडिया ने यूएसए से लिया है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख के बताएंगे कि जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ। क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस। कहा गया है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए डिटेंशन अगर मैं बात करूं, दो तरह से जेल हो सकती है आदमी को, किस तरह से, पहला अगर उसने कोई जुर्म किया हो, दूसरा अगर ना भी जुर्म किया हो तब भी उसे जेल हो सकती है, और ऐसी की गई जेल को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी कि अगर बंदे ने किसी तरह का जुर्म भी नहीं किया तब भी उसे कैद किया जा सकता है, ऐसे कैसे। सो चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है डिटेंशन फॉर इंटेरोगेशन, बी है डिटेंशन आफ्टर इंटेरोगेशन, सी है डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, डी है डिटेंशन फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस। देखिए अगर हमें ऐसा लगता है कि देश में हालात सही नहीं है और इसके पीछे कोई ऐसा सेक्शन है, इसके पीछे कोई ऐसा आदमी है जो फिर से जो है ऑफेंस कर सकता है, तो हम क्या करते हैं ऐसी कंडीशंस में प्रिवेंटिव डिटेंशन यूज करते हैं, यानी उसे विदाउट इंटेरोगेशन या विदाउट एनी ऑफेंस हम उसे क्या करते हैं, उसे कैद कर सकते हैं, उसे जेल में रख सकते हैं। सो प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी डिटेंशन विदाउट इंटरोगेशन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। क्वेश्चन नंबर सिक्स, सो क्वेश्चन नंबर सिक्स ये रहा स्क्रीन पे, महात्मा गांधी वाज फर्स्ट अरेस्टेड ड्यूरिंग सत्याग्रह इन द ईयर। कहा गया है कि महात्मा गांधी को पहली बार कब अरेस्ट किया गया था सत्याग्रह के मामले में। तो देखिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए, बहुत सारे मेजोरिटी स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन रहता है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह 1917 चंपारण में लॉन्च किया। देखिए वो भारत में आके किया, पर भारत से पहले भी गांधी एंड प्री गांधी एंड हिस्ट्री, जो प्री इंडियन हिस्ट्री है गांधी की वो जरूरी है। साउथ अफ्रीका में गांधी का जो पीरियड था वो बहुत जरूरी है। और सबसे पहला देखिए सत्याग्रह जो गांधी ने ऑर्गेनाइज किया था वो साउथ अफ्रीका में किया था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका की सरकार ने एक ट्रांसवेसल एशियाटिक ऑर्डिनेंस एक्ट पास किया था, जिसके कारण इस एक्ट के दौरान क्या कहा गया था कि जो इंडियंस है उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। और 1906 में गांधी ने इस एक्ट के अगेंस्ट पहली बार सत्याग्रह किया था। और जब नॉन वायलेंट मूवमेंट ज्यादा बढ़ गई ट्रांसवेसल जो प्रोविंस थी वहां पर, तो पहली बार गांधी को अरेस्ट किया गया था 1908 में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1908। और अगर बोला रहे कि पहला सत्याग्रह कब किया, तो आंसर क्या होगा 1906 हो जाएगा। तो 1906 में पहला सत्याग्रह और 1908 में पहली बार जेल। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेवन यह रहा स्क्रीन पे, सो क्वेश्चन नंबर सेवन ये रहा स्क्रीन पे, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडिया ऑन 15th August बाय ब्रिटिशर्स। सो यानी ब्रिटिशर्स ने भारत को 15 अगस्त को ही आजादी क्यों दी थी। ऑप्शन नंबर ए, ऑन दिस द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड डिमांडेड पूर्ण स्वराज, ऐसा है क्या, नहीं ना। ऑप्शन बी, ऑन दिस डे महात्मा गांधी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑप्शन सी, एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी है एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी क्यों दी गई, क्योंकि 15 अगस्त डेट की कुछ सिग्निफिकेंस है इंडियन हिस्ट्री में या ब्रिटिश हिस्ट्री में, आप कैसा ऐसा कह सकते हैं। सो देखिए 15 अगस्त 1945 को क्या हुआ था, 15th अगस्त 1945 को जापानीज आर्मी, सभी को बताओ वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, तो जापानीज आर्मी ने ब्रिटिशर्स के सामने सरेंडर किया था माउंट बेटन के सामने। सो यानी जो लॉर्ड माउंट बेटन था उसने 15 अगस्त को आजादी क्यों दी थी, समझ आ गया। सो ऑप्शन नंबर आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी एनिवर्सरी ऑफ द सरेंडर ऑफ जापानीज आर्मी बिफोर एडमिरल माउंटबेटन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एट की तरफ। क्वेश्चन नंबर एट ये रहा स्क्रीन पे, परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट ऑफ बंगाल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। ये ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, बहुत बार देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बोला गया है कि जो परमानेंट सेटलमेंट थी तो वो किसने इंट्रोड्यूस की थी। देखिए रेवेन्यू जो स्ट्रक्चर था अंग्रेजों का वो सभी को पता होना चाहिए। तो तीन तरह से रेवेन्यू कलेक्शन होती थी, देखिए तीन तरह के सिस्टम थे, एक तो परमानेंट सेटलमेंट था,
आप सभी को पता होना चाहिए, परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा था रेयॉटवाड़ी और तीसरा था महलवाड़ी। तो ये पूछा है कि परमानेंट सेटलमेंट जो था इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था। देखिए ये आपको मैं बता दूं, परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1793 और इसे इंट्रोड्यूस करने वाले का नाम क्या था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सभी को पता होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है, देखिए आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने आप लोगों को परमानेंट सेटलमेंट बता दिया, आप लोगों के लिए होमवर्क है रेयॉटवाड़ी और महलवाड़ी, ये कौन से ईयर में और इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये आपके लिए होमवर्क है, आप पढ़ के आएंगे और कमेंट सेक्शन में आप इसको लिख के बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा स्क्रीन पे, द फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इज, लास्ट वीडियोस को याद करिए, फादर ऑफ अनरेस्ट बताया था, वही आंसर है। तो क्वेश्चन क्या है कि फादर ऑफ एक्सट्रीमिज्म इंडिया में किसको कहा जाता है, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। क्या आंसर होगा, आंसर डी, ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। याद होगा ना, लास्ट टाइम बताया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है थ्रू विच प्रिंसिपल ऑफ और डिवाइस डिड गांधी जी स्ट्राइव टू ब्रिज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आने का जो है इसका चांस इस बार ज्यादा है क्योंकि कम पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, क्वेश्चन पर आया हुआ है और रेपिटेशन का चांस हमेशा रहता है। तो क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने इनमें से किस चीज को यूज किया था जो हमारे समाज में इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है ना, कोई अमीर है कोई गरीब है, तो गांधी जी ने इसमें से किस जो है थ्योरी या किस कंसेप्ट को फॉलो किया था इन इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए एबॉलिशमेंट ऑफ मशीनरी, ऑप्शन नंबर बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर सी ट्रस्टीशिप थ्योरी, डी इज नन ऑफ द अबव। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी ट्रस्टीशिप थ्योरी। ट्रस्टीशिप थ्योरी का देखिए इसका मतलब क्या था, ये एक ऐसा कंसेप्ट था कि अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करेंगे, जिसके पास पैसा है जो वेल्थी पर्सन है वो क्या करेगा, गरीब बंदों की मदद करेगा, तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम होंगी, है ना। तो आंसर क्या होगा, ट्रस्टीशिप थ्योरी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है महात्मा गांधी गॉट हिज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसोबीडियंस फ्रॉम, महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स लॉन्च की थी ना भारत में, याद करिए कब कब लॉन्च की थी, सॉल्ट सत्याग्रह भी लॉन्च किया था, तो वो भी क्या थी, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी। तो बोला गया कि महात्मा गांधी को ये सिविल डिसोबीडियंस वाला कंसेप्ट कहां से समझ में आया। तो देखिए सिविल डिसोबीडियंस को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। हमारे जो हिंदी व्यूअर्स हैं उनके लिए सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का कंसेप्ट था, ये इंस्पिरेशन गांधी को किससे मिली थी, ऑप्शन नंबर ए ट्योरियो, बी है रस्किन, सी इज कन्फ्यूशियस, सी ही इज टॉलस्टॉय। सो सही जो आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर ए ट्योरियो। सो इसका मतलब क्या था, थोरियो से जो है गांधी जी को इंस्पिरेशन मिला था, थोरियो से सिविल डिसोबीडियंस का, और ये जो थोरियो ऐसे करके नाम की एक किताब थी जिससे महात्मा गांधी को ये इंस्पिरेशन मिली थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है द फर्स्ट इंडियन सिलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज वाज, यानी कि पहला भारतीय जिसने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया था अंग्रेजों के टाइम पर, और पहला जो भारतीय था जो इंडियन सिविल सर्विसेज में जिसने अपने सबसे पहले पैर जमाए उसका नाम क्या था, वो पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए इज सत्येंद्रनाथ टैगोर, बी इज सरोजनी नायडू, सी इज लाला लाजपत राय, डी सी आर दास। तो देखिए जो यहां पर सही आंसर है, पहला जो इंडियन सिविल सर्विसेज जिसने क्रैक किया था 1863 में और पहला सिविल सर्विसेज क्रैक करने वाला आदमी बना था, ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा स्क्रीन पे, द सिस्टम ऑफ कॉमनल इलेक्टोरेट इन इंडिया वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि कॉमनल इलेक्टोरेट जो कॉम्युनलिज्म का भारत में कंसेप्ट आता है, और ये देखिए फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे किसे कहा जाता है, और यहीं पर आंसर ऑप्शन में। तो कहा गया है कि कॉम्युनल इलेक्टोरेट का कंसेप्ट जो है भारत में किसने इंट्रोड्यूस किया था, ऑप्शन नंबर ए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, बी इज मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स ऑफ 1909, सी इज मॉन्टेक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919, डी इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ 1935। तो देखिए कॉम्युनल जो कॉम्युनल इलेक्टोरेट था पहली बार मुस्लिम्स को प्रोवाइड किया गया था कौन से एक्ट में, हिस्ट्री याद करिए, तो कॉम्युनल इलेक्टोरेट जो है उसे पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था मिंटो मॉर्ले, जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे 1909 के 1909 में पहली बार मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। तो आंसर क्या होगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर बी। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, फादर ऑफ कॉम्युनलिज्म इन इंडिया।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा स्क्रीन पे, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन चारों में से किसने रिप्रेजेंट किया था भारत को? ऑप्शन ए अरुणा असफ अली, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर डी कल्पना जोशी। तो देखिए जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सरोजनी नायडू। सो गांधी जी के साथ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेशन दिया था, भारत की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया था। और जैसे अगर मैं सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात करूं हिंदी व्यूअर्स के लिए, देखिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने पार्टिसिपेशन दिया था। आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है यहां पर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, अरुणा असफ अली गांधी जी के साथ कौन सी मूवमेंट में इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी? तो क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपके स्क्रीन पे, 14 आपको समझ आ गया होगा और होमवर्क जो दिया था वो प्लीज यहां पर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। 15 है, व्हाट वाज द अल्टीमेट गोल ऑफ महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह। देखिए सॉल्ट सत्याग्रह की अभी मैंने बात की थी सिविल डिसोबीडियंस जब बताया था, तो महात्मा गांधी ने जो सॉल्ट सत्याग्रह जो लॉन्च किया था बोला उसका अल्टीमेट गोल क्या था? देखिए मैं यहां पर थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेकर जाऊं, महात्मा गांधी के सॉल्ट सत्याग्रह का अल्टीमेट गोल क्या था। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गलतियां पहले भी की हैं और इस बार भी करेंगे, और इस बार ना हो इसलिए मैं आपको यहां पर क्वेश्चन बता दूं कि यहां पर देखिए क्या होता है कि महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह क्यों लॉन्च किया था। देखिए 1929 की अगर मैं बात करूं, यहां पर अभी दो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हिस्ट्री में उभर कर सामने आती हैं, वन वॉज जवाहरलाल नेहरू एंड सेकंड वॉज सुभाष चंद्र बोस। सो यहां पर जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को यहां पर प्रेशराइज करते हैं कि हमारा जो गोल होना चाहिए वो पूर्ण स्वराज होना चाहिए। और फिर गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी उनसे टाइम मांगते हैं कि अभी हमें एक या दो साल, सरकार को पहले दो साल बोला था और फिर बोला कि कम करके कि हम एक साल एटलीस्ट सरकार को देना चाहिए कि वो हमारी स्वराज डिमांड मान ले। और गांधी जी कहते हैं कि अगर वो नहीं मानेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो एम होगा वो पूर्ण स्वराज होगा। तो सॉल्ट सत्याग्रह क्या था, वही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी और उसका अल्टीमेट एम क्या होगा, पूर्ण स्वराज। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी पूर्ण स्वराज फॉर इंडिया। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। दो कोस्ट है ना भारत की, ईस्टर्न और वेस्टर्न। तो आपसे कहा गया है कि इसमें से जो चार ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा जो पार्ट है वो वेस्टर्न कोस्ट का पार्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नहावा शेवा है, बी मार्मागाव ये भी है, ऑप्शन नंबर सी तूतीकोरिन और ऑप्शन नंबर डी कोची। तो कौन सा वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है भारत की, वेस्टर्न कोस्ट पे भारत की कौन सा नहीं है, तूतीकोरिन नहीं है। तूतीकोरिन कहाँ है, ईस्टर्न कोस्ट पे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ये रहा स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून्स इन वेस्टर्न राजस्थान। तो आपसे क्या पूछा गया है कि जो देखा है ना सैंड ड्यून्स बन जाते हैं राजस्थान में, आप लोग राजस्थान घूमने गए होंगे कभी तो देखा होगा डेजर्ट, वहां पर मरुस्थल भारत का देखा होगा। तो कहा गया कि वो जो वेस्टर्न राजस्थान में सैंड ड्यून्स बन जाते हैं वो उसके पीछे कौन सा कंसेप्ट रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन नंबर ए विंड इरोजन, इरोजन से बनेगा क्या, नहीं ना वो तो उड़े आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। इरोजन बाय वॉटर ये भी गलत है। ऑप्शन सी विंड डिपोजिशन और डी मैकेनिकल वेदरिंग, वेदरिंग में भी क्या होगा टूटेगा, डेपोजिशन के कारण सैंड ड्यून्स बनेंगे ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन देख के आंसर पता लग जाता है, तो यहां पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विंड डेपोजिशन। तो विंड डेपोजिशन के कारण यहां पर सैंड ड्यून्स बनते हैं राजस्थान में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पे, विच पार्ट ऑफ द हिमालयस हैज द मैक्सिमम स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि हिमालयस जो है इनमें से, देखिए जियोग्राफी की अगर मैं बात करूं इंडियन जियोग्राफी की, आपको भारत के जितने भी फिजिकल फीचर्स हैं वो पता होने चाहिए। तो जैसे कि हिमालयस की अगर हम बात करें तो हिमालयस आर डिवाइडेड इनटू कुमाऊं असम पंजाब नेपाल और काफ़ी सारे हिमालयस में भारत डिवाइडेड है। तो बोला गया है कि जो भारत के हिमालयस हैं ईस्ट टू वेस्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रेच किसका है, मैक्सिमम स्ट्रेच। तो देखिए चारों में से जो सही आंसर है वो है नेपाल हिमालयस। सो चारों में से नेपाल हिमालयस का जो स्ट्रेच है वो सबसे ज़्यादा है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हिमालयस। सो जो ईस्टर्न है ना, नॉर्थ ईस्ट में हिमालयस और अपने नॉर्थ में हिमालयस है, जो जम्मू कश्मीर में या हिमाचल में, ये हिमालयस में डिफरेंस क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पे, नॉट इज अ मेजर ऑफ, नॉट जो है इससे क्या मापा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए है द स्पीड ऑफ शिप, पता लग गया होगा करंट आप पढ़ते रहते होंगे। ऑप्शन बी है द कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, ऑप्शन सी सोलर रेडिएशन, ऑप्शन डी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक शॉक।
तो देखिए नॉट से हम जो मेजर करते हैं वो शिप की कितनी स्पीड है, वो नॉट यूनिट से मेजर किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, द स्पीड ऑफ शिप। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप मुझे बताएंगे करंट का क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 75 जो है वो किस इंडियन आर्म्ड फोर्स से एसोसिएटेड है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डाइमेंशंस। कौन सी ऐसी दो फिजिकल क्वांटिटीज है इन चारों ऑप्शंस में से जिनकी सेम डायमेंशन होती है। देखिए यहां पर ऑप्शंस पढ़ के आपको पता लग गया होगा, ऑप्शन है फोर्स एंड पावर, बी है वर्क एंड पावर, सी है वर्क एंड एनर्जी, डी है मोमेंटम एंड पावर। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर है बहुत ने पहचान लिया होगा, ऑप्शन सी जो है वर्क एंड एनर्जी, ये दोनों की सेम डायमेंशन रहती है, जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। तो देखिए अगर मैं बात करूं दोनों की, तो वर्क एंड एनर्जी की अगर मैं बात करूं, वर्क और एनर्जी दोनों की जो फिजिकल जो डायमेंशन की मैं बात करूं, तो ML 2 T माइनस 2 और ML 2 T माइनस 2 दोनों की ये सेम फिजिकल डायमेंशन रहती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सभी के स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, रोज की रोज क्या रहता है, अर्थक्वेक्स न्यूज में रहते हैं और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम भी न्यूज में रहता है। तो बोला है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी होती है, उसे मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है उसका नाम क्या है। एडियोग्राफ, पेंटाग्राफ, एर्गोग्राफ, सिस्मोग्राफ। तो क्या है सही आंसर, सभी ने पहचान लिया होगा ऑप्शन नंबर डी सिस्मोग्राफ, जिसे हम अर्थक्वेक नापते हैं। सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि अभी रिसेंटली किस कंट्री में अर्थक्वेक आया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके स्क्रीन पे। साइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द। देखिए 2015 के RRB NTPC में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया और ये ऑलमोस्ट किसी कैंडिडेट को नहीं पता होगा। तो साइनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर दी, साइनोमीटर किसके लिए यूज किया जाता है, तो डेंसिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए डेंसिटी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा स्क्रीन पे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पॉइजनस स्नेक। चार बार SSC में आया है, दो बार RRB NTPC में आया और एक बार ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो कहा गया है कि नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है इनमें से। ऑप्शन ए कोबरा, बी ड्रायोफिस, सी इलेप्स, डी पाइथन। तो देखिए नॉन पॉइजनस स्नेक जो है इन चारों में से वो है पाइथन। सो जो पाइथन है वो नॉन पॉइजनस स्नेक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। ये रहा स्क्रीन पे, ऑलिव रिडले इज अ फेमस, है ना, सभी समझ गए होंगे। अभी लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने बात की थी, याद है ऑली बात की थी, पहचान लिया होगा सबने। सो ऑलिव रिडले क्या है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी टर्टल स्पीशीज। सो ऑलिव रिडले क्या है, एक टर्टल स्पीशीज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पे। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, द लैंग्वेज यूज्ड इन राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ एनिमल्स इज। सो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है एनिमल्स का साइंटिफिक नेम लिखने में। ऑप्शन ए है फ्रेंच, बी है लैटिन, सी है जर्मन, डी है डच। तो देखिए जो लैंग्वेज यूज की जाती है साइंटिफिक एनिमल्स के नेम लिखने के लिए, वो यूज की जाती है ऑप्शन नंबर बी लैटिन। याद करिए 6 से 10वीं तक की क्लासेस, और अगर 11th 12th में किसी ने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसे पता होगा 6 से शुरू हो जाता है। तो लैटिन हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं एनिमल्स की। तो सही आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी लैटिन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा स्क्रीन पे, द स्टडी ऑफ एक्सटिंक्ट एनिमल इज कॉल्ड। यानी कि जो विलुप्त हो चुकी हैं जो प्रजातियां हैं एनिमल्स की, इस ऐसी स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्पेटोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी जियोलॉजी, डी पैलेंटोलॉजी। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पैलेंटोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। सो एक्सटिंक्ट एनिमल्स की स्टडी को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्नेक। कहा गया है कि इन चारों में से किसे हम ट्रूली स्नेक नहीं, जो है ट्रूली स्नेक की कैटेगरी में नहीं काउंट करते हैं। तो ऑप्शन ए है ग्लास स्नेक, बी है सी स्नेक, सी है ट्री स्नेक, डी है ब्लाइंड स्नेक। तो देखिए जो ट्रूली स्नेक की कैटेगरी में नहीं आता है वो है ऑप्शन नंबर एक ग्लास स्नेक। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, ग्लास स्नेक। देखिए ग्लास स्नेक जो है वो स्नेक की तरह दिखता है, बट वो कौन होता है, वो एक रेप्टाइल है और वो लिजर्ड है। तो जो ग्लास स्नेक है वो स्नेक की तरह दिखता तो है पर वो क्या होती है, वो एक लिजर्ड होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 हियर आर स्क्रीन पे। 28 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द क्लास मैमेलिया। मैमल क्लास के फीचर सभी को पता होंगे, एक बार निगाह मारिए चारों ऑप्शंस पर और मुझे बताइए कि चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है। मैमल्स जो होते हैं इन चारों में से जो ऑप्शंस हैं, चार चार का पेयर है,
कौन सी जो ऑप्शन है वो मेमेलिया क्लास के साथ मिलती है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए ध्यान से, ये करेक्ट आंसर है। वेल क्या है? मैमल। बैट क्या है? मैमल। कंगारू मैमल, हिपोपोटामस मैमल। सो चारों मैमल है ना, सही आंसर क्या होगा? डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू कार्टिलेजिनस फिश, यानी इन चारों में से देखिए एक ऐसा पेयर है जो ऐसा पेयर है उसमें जो दो फिशेस के नाम दे रखे हैं उनका स्केल्टन बोनी स्केल्टन नहीं होता है, वो कार्टिलेजिनस स्केल्टन होता है। ध्यान से देखिए ऑप्शंस। ऑप्शन ए है शार्क एंड ट्यूना, बी है शार्क एंड रे, सी है स्केट्स एंड हिल्सा, ऑप्शन डी है रे एंड एल। तो देखिए जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, शार्क एंड रे। ऐसी दो स्पीशीज हैं, ऐसी दो फिशेज हैं जो कार्टिलेजिनस हैं और बोनी स्केल्टन उनका नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए पार्ट फाइव का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, उसकी तरफ बढ़ते हैं। फिर से आपको याद करा दूं कि आप जो है कमेंट सेक्शन में देखेंगे पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, आप जो है वहां पर जाके चारों पार्ट्स को दोबारा देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो फिर से वो पहली दफा चारों पार्ट्स को देख सकते हैं, और जिन्होंने देख लिया है और रिविजन के लिए वो फिर से रेफर कर सकते हैं चारों पार्ट्स को। और जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलीजियसली इन क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए, और एनटीपीसी जो एग्जाम है वो डेफिनेटली उस एग्जाम में आपकी जीत होगी। और जो कमेंट सेक्शन में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लिखने के लिए, उनके आंसर्स उसको जरूर लिखिए, आप लोगों का फायदा है, उसमें से नए क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू फिश। ट्रू फिश की कैटेगरी में इन चारों में से किस स्पीशीज को नहीं रखा जाएगा? ऑप्शन ए सिल्वर फिश, बी सॉ फिश, सी हैमर फिश, डी सकर फिश। तो देखिए चारों में से जो फिश है जिसे हम ट्रूली फिश नहीं कहते हैं, और इंस्टेड ऑफ फिश, देखिए यहां पर आपको हिंट देता हूं, इंस्टेड ऑफ फिश ये ऐसी फिश है जो वाटर इंसेक्ट कहलाई जाती है। तो वाटर इंसेक्ट है और वो फिश नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सिल्वर फिश, वो ऐसी फिश है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? सिल्वर फिश। तो देखिए इसी के साथ आज का जो पार्ट फाइव, जो पार्ट फिफ्थ सेशन था वो हमने खत्म किया, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि जो पिछले चार हमारे पार्ट्स रिलीज हुए हैं उसमें आप सभी का बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है, सभी ने बहुत बढ़िया आंसर्स कमेंट सेक्शंस में लिख के बताए हैं, और आगे भी आप इसी तरह से इस चैनल को फॉलो करते रहिए, इन वीडियोस को फॉलो करते रहिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी और जेई के एग्जाम्स के लिए। और पार्ट फाइव में भी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं उसका भी रिस्पॉन्स आप जरूर दीजिए। सो आई थैंक्स टू यू ऑल, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैंने जैसा लास्ट टाइम भी आप सभी को बोला था, जितना शेयर करेंगे उतने स्टूडेंट्स में ये वीडियोस जाएंगी, और फिर क्या होगा कि सभी स्टूडेंट्स को आरआरबी एनटीपीसी, देखिए बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स ने फॉर्म्स भरे हैं और सभी को फायदा मिलेगा इन वीडियो से। सो थैंक यू।